हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम शुभम दास, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज का मौसम का बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा बादल तो है और बारिश भी हो रहा है, मुश्किल है ठंडी के मौसम में। The world is too small. तो अभी आ गया हूँ मैं घर के अंदर, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था इसीलिए, और मैं बाहर उसे बनाने वाला था नहीं, घर में ही बनाऊँगा। आना शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो। मैं पहले इसको कलर करता हूँ। कलर करने के लिए मैं हल्का ब्लू ब्लू कलर यूज़ करने वाला हूँ, देख सकते हैं। हम यहाँ पे हल्का ब्लू कलर जो है व्हाइट और डार्क ब्लू को मिक्स करने के बाद ये हल्का ब्लू ऐसा स्काई टाइप का कलर आता है, तो पूरा उसका फेस में लगाने वाला हूँ स्काई ब्लू कलर। तो स्टार्ट करता हूँ। तो आज का वीडियो में गौतम बुद्ध का एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। पेंसिल से हो गया है, बना चुका हूँ। अभी किसको कलर करना किए, तो कलर कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूरा कलर करना है इसको। Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? तो फेस पे हल्का ब्लू मारने के बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू से और थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा इफेक्ट दे जाता हूँ, ताकि 3D इफेक्ट दे सके फेस का। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी 3D सीन में बना चुका हूँ यहाँ पे, जो ब्लू कलर से अभी ग्रीन कलर से बैकग्राउंड बना देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। ग्रीन कलर कैसे लगाना है वो बता देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर जो मैं बैकग्राउंड में लगा रहा हूँ, बहुत बारीकी से लगाना पड़ता है कि ये जो हमने बनाया उसमें फैले मत कलर, क्योंकि लगेगा तो ये खराब दिख सकता है, इसलिए मैं अच्छा से लगा देता हूँ। उसके बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है। तो अभी ये ग्रीन कलर बैकग्राउंड में कर दिया हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कलर नहीं करूँगा, ताकि मैं इसको कलर करूँगा तो हाथ में मेरा कलर लग सकता है, इसलिए इसको सूखने के छोड़ देता हूँ। सूखने के बाद इसके बाद में थोड़ा काम करता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, कम से कम सूख जाएगा 2 मिनट के अंदर, क्योंकि ये ऑयल पेंट है। इसीलिए स्किप मत करेंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर बाद में मेरे को कमेंट में बहुत लिखेंगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या वीडियो बना रहे। इसको मैं कलर करता हूँ, बनाता हूँ कैसे कलर करना है। ऑरेंज टाइप कलर दूंगा, ये फूल गोभी लगाता हूँ कलर, बाल बनाना है बैकग्राउंड, कुछ डिजाइन करते रहना, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पूरा कपड़ा में और येलो कलर लगा चुका हूँ, अपने मानने वाला हूँ ऑरेंज कलर, ताकि वो 3D इफेक्ट दे सके। फेस में किया हूँ उसी टाइप का ऑरेंज कलर, इसमें भी लगाऊंगा ताकि ये भी 3D इफेक्ट दे सके। दिखाता हूँ कैसे। जो ये फूल मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये कमल का फूल है, जो क्योंकि गौतम बुद्ध कमल का फूल ही पकड़ते हैं हाथ में, और कुछ है उनके बारे में उतना कुछ जानता नहीं, क्योंकि कमल फूल के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। और कमल फूल से भी हमारा देश के लिए बहुत राष्ट्रीय फूल बोला जाता है कमल फूल को, तो कमल फूल को अच्छा बनाना तो बनता है, इसलिए पिंक कलर में बनाना चाहता हूँ, ताकि पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लग सके। कमल फूल व्हाइट में नहीं बनाया जाता हूँ, तो देखता हूँ कमल फूल कैसे बनाते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, देखता हूँ क्या मैं तो बना रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पिंक कलर में कमल का फूल में लगा चुका हूँ, लेकिन इसको 3D इफेक्ट देने, जैसे मैं सब 3D दे रहा हूँ, तो 3D इफेक्ट देने के लिए आपको मैं कैसे बनाऊँ पिंक कलर, व्हाइट और थोड़ा सा रेड को मिला के पिंक कलर बनाया हूँ, लेकिन इसमें मैं अभी और थोड़ा ज़्यादा रेड मिला, ताकि थोड़ा डार्क पिंक कलर हो सके, ताकि मैं इसे 3D इफेक्ट दे सकूँ। तो मैं इसमें थोड़ा रेड मिलाता हूँ और लगाता हूँ, देखिए आप कैसे 3D इफेक्ट इसको फूल को दे रहा हूँ। इसमें जैसा फेस और जितना ये कपड़ा में दिया उसका थोड़ा अलग टाइप का देना, क्योंकि ये फूल है तो फूल के साथ अलग टाइप का देना पड़ेगा, तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, आप भी थोड़ी देखिए और सीखिए, और वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आप समझ नहीं पाएंगे अगर स्किप कर देंगे तो दिखाता हूँ मैं कैसे करना है कलर।
बना तो मुझे बनाते थे ऐसा लगा कि मेरे इसे थोड़ा वेंटेज करना चाहिए। अगर आप लोग वेंटेज का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, जब फोटो एडिट करते हैं या फिर एडिट करते हैं अगर आप लोग एडिटर हैं तो साइड में वेंटेज का ऑप्शन आता है जो साइड में ब्लैक और डार्क कर देता है, तो बहुत अच्छा लगता है इफेक्ट। वीडियो में हम लोग एडिट करते हैं या फिर फोटो में एडिट करते हैं तो अच्छा लगता है वो चीज़ वेंटेज करना, तो मैं सोचा उससे वेंटेज करता हूँ। तो वेंटेज करने के लिए मैं यही ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, और साइड साइड में थोड़ा सा लगा दूँगा इफेक्ट दे दूँगा वेंटेज का। तो देखते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, देखते रहिए। वेंटेज करने के बाद अभी एक्चुअली में दिख रहा है बैकग्राउंड अच्छा, क्योंकि आप लोग एडिटर क्रिएटर होंगे आप लोगों की तो ऑलमोस्ट जानते होंगे कि फोटो और वीडियो में वेंटेज से कितना अच्छा इफेक्ट आता है, तो वो चीज़ मैं इस ड्रॉइंग में किया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है, अगर आप क्रिएटर तो आप मेरा बात समझते होंगे, मतलब फील करते होंगे कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को तो ज़रूर फील करेगा कि वो कैसे बना रहा है क्या कर रहा है। तो वेंटेज क्या होता है, वेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे दिख रहा है वेंटेज में। अभी मैं कैमरा सोच रहा था मेहनत वाला सब था इम्पोर्टेंट काम जो फोटो को दिखा सकते कि अच्छा, तो वो है ब्लैक कलर से आउटलाइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पतला ब्रश लेंगे आप यूज़ करना, पतला ब्रश सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर से आउटलाइन करने के लिए। तो दिखाता हूँ बहुत बारीकी से काम है, तो धीरे धीरे टाइम का कोई हड़बड़ी नहीं है, आप स्लो स्लो जितना धीरे करेंगे इतना अच्छा से करेंगे सावधानी से उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा आउटलाइन। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ धीरे धीरे आराम से। जब भी आप गौतम बुद्ध बना रहे हैं ड्राइंग तो उसका जब भी देखेंगे उनका स्माइल जो है हल्का से लिटिल स्माइल थोड़ा सा देना पड़ता है, क्योंकि आँख को बंद करके आराम से एक तो चैन का फेस होता है ना, आराम से जो आदमी बैठते हैं जो हल्का स्माइल देना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग जब सिंपल बनाते हैं क्योंकि आँख बंद है तो आराम से सिंपल बनाते हैं, लेकिन ये वैसे टाइप का नहीं बनाना, इसमें थोड़ा हल्का से स्माइल, थोड़ा सा हल्का सा आँख खुला रहना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल, ताकि पता चलता है कि रिएक्ट नहीं रहता है फेस में अगर सिंपल रहता है, तो रिएक्ट थोड़ा सा देना है इसमें, तो शांति का रिएक्ट देना है, हल्का से स्माइल हल्का से आँख खुला, तब लगता है गौतम बुद्ध का ओरिजिनल फेस। यही सब बात ध्यान बहुत रखना जब आप गौतम बुद्ध का जब जो भी कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये सब बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यार बाल के लिए थोड़ा 3D पर देना है, तो 3D पर देने के लिए बाल को मैं ब्लैक कलर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है, फिर उसमें गोल गोल राउंड राउंड बाल करते हैं, उसमें ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर से गोल गोल राउंड राउंड करता हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है ये बना के, थोड़ा सा मुझे लगा कम से कम एक से थोड़ा एक घंटा के आसपास लगा मुझे बनाने में इसे, लेकिन ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन और ये इसमें सबसे ज़रूरी काम इम्पोर्टेंट काम जो होता है हर आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट काम होता है, वो है अपना सिग्नेचर देना, तो सिग्नेचर मैं देता हूँ यहाँ पे अपना स्टाइल से। बना के मुझे एक घंटा हुआ कंप्लीट हुआ, बना के कंप्लीट हो चुका है पूरा, और एक घंटा बाद देख रहा हूँ बारिश हल्का बादल किया था, लेकिन अभी हो रहा है भयानक बारिश बाहर में, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बादल बिजली गरज रहा है, लेकिन ठंडी का मौसम जब भी ऐसे बारिश होता है तो बहुत भयानक ठंडी लगता है, और ठंडी के मौसम में ऐसे हो रहा है तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन शाम को निकलना है ज़रूरी काम से, तो इसलिए वीडियो को यहीं तक खत्म रखता हूँ। और अगर आपको भी ये वीडियो और ये ड्राइंग आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक ये सब में फॉलो करिए, ताकि आपको जब भी फोटो अपलोड करूँ ये सब ड्राइंग बना के अपलोड करूँ तो आप लोग देख सकें फ़ोटो भी, और आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा ड्राइंग बनाने वाला हूँ, ताकि क्योंकि ये जब इससे पहले ये वीडियो अपलोड आप लोग देख रहे हैं इससे एक दिन पहले इंस्टाग्राम फेसबुक में इसका फोटो अपलोड कर चुका हूँ और लिंक भी वहाँ पर, तो इसलिए आप लोग जल्दी देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जो सब्सक्राइब करो जो क्लिक किए जल्दी से फटाक से मारिए एक पॉइंट ताकि आपको मोबाइल टूट जाए हैवी, तो मजाक कर रहा हूँ उसकी जो उसे मारना नहीं है, हल्का सी क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकॉन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाक से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया के साथ। बाय टपा। मैं वीडियो बना रहा हूँ जब भी, तो मेरा मुझ पर हंसी छूटा है, वो उसका कारण है यहाँ पे लोग बच्चे लोग दो दो बैठे हैं और हंस रहे हैं। तीन बच्चे लोग बैठे हैं बता रहा हूँ, थोड़ा हंस रहे हैं। हाँ दिखाओ, हेलो बोलो, क्या नाम बोल? रोशनी। इसका नाम रोशनी नहीं, इसका नाम नानबूटन है। बूटन है ये। आज तीसरा बच्चा कहाँ पर है? हाँ बहुत समझदार है। नाम बोल, नाम बोल। इसका नाम है माही।